वेलकम बैक टू रोन चैनल द फाइनेंशियल लिटरेसी। मैं हूँ आपके दोस्त राधि। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हैप्पी दशहरा टू यू ऑल इन एडवांस। जो कि कल है तो मार्केट ऑफ रहेगा, प्लस में आज मार्केट में हमें बहुत ही अच्छा फॉल देखने को मिला। एंड वंस अगेन जो मैं हमेशा बोलती हूँ, वो मार्केट ने प्रूव किया कि जब फॉल आता है ना तो मार्केट बेवकूफ़ नहीं बनाता। यानी मार्केट अगर धीरे 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 गिर रहा है तो डैट मीन्स वो कोई फॉल नहीं है। फॉल जेन्युइन तब आता है जब मार्केट डायरेक्ट एक डाउन साइड का मोमेंटम बहुत अच्छी तरीके से दे। सेम हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिला। कि न्यूज़ पे आप जाएंगे, आप सी व्हाट वाज द रीज़न ऑफ दिस फॉल, ये सारी चीज़ें आप जाके यहाँ पे न्यूज़ वगैरह में पढ़ोगे, आपको मिल जाएगा कि इन्फ्लेशन जो है उसकी वजह से हो रहा है, FIIs जो है वो लगातार सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है, और हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले हैं क्वार्टर टू में जो हमारे काफ़ी वेटेज स्टॉक्स है। तो बहुत सारे रीजंस आप ये सारे देख सकते हो, ऊपर से वो वार वगैरह वाली सिचुएशन है कुछ भी। लेकिन हमारा मेन फोकस जो है वो मेनली प्राइस एक्शन पे रहता है कि प्राइस हमें क्या बता रहा है। सो वो सेम चीज़ हम पढ़ेंगे। और प्लस में आज प्राइस के बेसिस पर हमारी किस तरीके से एंट्री बनती थी वो हम सारा समझने वाले हैं। सो सबसे पहले तो जो वीकली एनालिसिस वीडियो थी, मैंने यहाँ पे आपको पब्लिक चैनल पर मेंशन भी किया कि प्लीज़ जाके वीकली एनालिसिस वीडियो देखो। अब यहाँ पे आप वीकली एनालिसिस वीडियो जब देख रहे थे तो मैंने आपको मेन हाईलाइट पॉइंट जो डिस्कशन था वो यही था कि RSI डाइवर्जेंस बन रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पर बन रहा है। एक तो RSI डाइवर्जेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है, और अगर वो डेली और वीकली टाइम फ्रेम पे बने तो वो बहुत ही बेटर इंडिकेशन है, ठीक है। तो अब अगर ये सेम चीज़ जाके आप यहाँ पे जाओगे और वीकली चार्ट पर अगर हम जाते हैं निफ्टी में, आप यहाँ जाके अगर आप RSI नोटिस करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, कि ये जो यहाँ पे कैंडल्स बन रही है, वैसे तो हम अपसाइड का मार्क करते हैं, बट थोड़ा सा समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि जैसे जैसे यहाँ पे प्राइस ने हायर हाइज बनाए थे, RSI हायर हाइज नहीं बना रहा था, RSI के जो लो थे वो लोअर लोज बन रहे थे। एंड ये इंडिकेशन होता है एक बड़े फॉल का मार्केट में, ठीक है। इसी तरीके से पहले के कुछ दिन भी हैं जो आप थोड़ा एनालिसिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि RSI किस तरीके से जो है हमें एक क्लियर इंडिकेशन देता है, ठीक है। अब यहाँ पे आज का जो फॉल था, इसीलिए थोड़ा सा सेलिंग साइड में मैं थोड़ी सी एग्रेसिव थी, क्योंकि इसीलिए मैंने आज यहाँ पे ट्रैपिंग ट्रेड्स भी जो थे वो एग्जीक्यूट करने के लिए बोले थे। अगर आप EOD में हमारा जो पेड ग्रुप है उसमें भी जाके देखते हो तो जब मैंने चार्ट शेयर किए तो मैंने सेम चीज़ बोला था। पहले हमारे एग्रेसिव सेलर्स के लिए बहुत ही अच्छा एक प्रॉफिट बुक था, यहाँ पर भी मैंने बोला था कि ट्रैपिंग है, कॉन्टिन्यूएशन है, हम वही देखेंगे और हम के अकॉर्डिंग जाएंगे। अब हमारे यहाँ पे ट्रैपिंग ट्रेड था, मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड की है जिस टाइम पे मैं उसको ट्रेड को कैप्चर कर रही थी, एंड दैट वीडियो विल बी फॉर द EOD मेंबर्स एंड फॉर द कोर्स परचेजर्स जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ताकि उनको मैं सिखा सकूं और बता सकूं कि इस तरीके से लाइव मार्केट में हमारी ये अपॉर्चुनिटीज़ है। ऑब्वियसली इफ़ यू वांट टू गेन दैट नॉलेज, बिकॉज मुझे उसमें थोड़ी मेहनत लगती है, तो इफ़ यू वांट टू गेन दैट नॉलेज तो आप परचेज़ कर सकते हैं। उसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको पब्लिक चैनल पर मिल जाएगा। बाकी कुछ टाइम के बाद मैं वो चीज़ें जो है पब्लिक पर डाल ही देती हूँ, पब्लिक चैनल पर। जैसे अगर आप यहाँ पर जाके देखोगे तो जो यहाँ पर हमारा 5 figure हिट हुआ था उसकी वीडियोस भी मैंने यहाँ पे पब्लिक चैनल पर जो है पोस्ट करी दी थी, ठीक है। और इस वीडियो को जाके देखना सब अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो, ठीक है, क्योंकि इसमें 8.35 से किस तरीके से 120 का हाई लगा, किस तरीके से पेशेंस था, होल्ड किया, कोई टारगेट में छोटा लूज थोड़ा बहुत चलता है, उसके बाद एक शूटअप का प्राइस हमें दिखता है, तो वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर समझ आएगी। ओके, सो नाउ आज के दिन में यहाँ पर क्या हुआ, डायरेक्ट हम थोड़ा सा समझने की ट्राई करते हैं। पहले क्या होता है, प्राइस अपने डायरेक्ट कहाँ पे ओपन होता है, आप यहाँ पे देखोगे तो अपने कल के रेंज में ओपन होता है, ठीक है। अब प्राइस अपने कल के रेंज में ओपन हुआ तो उसके बाद हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि प्राइस अपने आप को सेटल किधर के डायरेक्शन में करता है। अब प्राइस ने इस तरीके से करके एम पैटर्न बनाया, इसका ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद हमें इनसाइड कैंडल का कॉन्टिन्यूएशन चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे बना था इनसाइड कैंडल, इस इनसाइड कैंडल का नीचे ब्रेकडाउन तो आया लेकिन वापस आके यहाँ पे SL हिट हुआ नहीं है। आप यहाँ पे मार्क करोगे तो दिस इज नॉट द SL, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक ट्रैप ट्रेडिंग वाला ट्रेड भी बना है। अब यहाँ तो यहाँ पे हमारा जो एग्रेसिव सेलर्स था उनके डायरेक्ट यहाँ पे इस तरीके से एंट्री बनी थी, और अगर आप यहाँ पे मार्क करते हो तो डायरेक्ट यहाँ से हमारी पोजिशन स्टार्ट होती है, और जो एंड डे तक होल्ड करते हैं उनके डायरेक्ट यहाँ पे एंड तक
पोजीशन चल रही है, ठीक है। अब इसके साथ साथ जो कंफर्म ट्रेडर है, ठीक है, जो जिनको थोड़ा सा अपना जो है वो देख के करना है, यानी जिनको थोड़ी सी अपनी सिक्योरिटी के साथ एंट्री करनी है, अगर आप यहाँ पे जाके देखते हो इस चीज़ को और मैं इसको अगर मार्क कर देती हूँ इस तरीके से, तो यहाँ पे हमारा स्पॉट पे ऐसा लाया नहीं है और प्रीमियम पे ये हिट भी नहीं हुआ होगा जितना हमारा यहाँ पे स्पॉट पे गया। तो अगर आप जाके यहाँ पे इसको नोटिस करते हो तो यहाँ पे भी हमारा जो एसएल है वो हिट नहीं हुआ है, ठीक है। अब ये थी हमारी सेकेंड एंट्री ना। थर्ड एंट्री जो हमारी ट्रैप ट्रेडिंग की एंट्री होती है, कभी भी अगर इस टाइप का फॉल है, मैंने हमेशा आपको बताया है, मैं आज दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आई डोंट नो मैंने कौन से टाइम ये वाली चीज़ रिपीट कर रही हूँ, ईओडी में भी मैं बहुत बार सिखाती हूँ, अगर मार्केट का बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेंड नीचे का है तो आप एक तो ट्राई करो कि आप एम पैटर्न ट्रेड करो और डब्लू पैटर्न की ट्रैपिंग ट्रेड करो, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये डब्लू पैटर्न की ट्रैपिंग हुई, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, इनसाइड कैंडल दी, कंटिन्यूएशन नहीं दिया, तो इसी कैंडल पे हमारी एक स्केल्पिंग पोजीशन बनती है, उससे डायरेक्ट मार्केट में हमने एक डाउनसाइड का फॉल देखा है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप यहां पे भी देखोगे तो हमारा इस तरीके से एम पैटर्न बनता है, ब्रेकआउट बनता है और हमारी इनसाइड कैंडल के साथ हमें दोबारा कंटिन्यूएशन मिलता है और ये सारे ट्रेड एग्जीक्यूट हुए हैं और जो भी ईओडी मेंबर्स हैं उन सब ने अपने जर्नल भेजे हैं एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड और इतना ज्यादा खुशी होती है मुझे सारी चीजें देख के कि इस तरीके से जो चीजें सिखाई जा रही है उसके जर्नल भी मेरे पास आ रहा है, प्लस में ट्रेड के एसएलएस ऐसे हिट होते हुए आ रहे हैं कि 1.178 हुआ, 1.168 हुआ। सो आई एम ग्लैड कि आप सब सीख रहे हो। अब ये सेम चीज़ हम यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखते हैं। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, सेम रेंज में एंट्री हुई, मैंने बोला था पब्लिक चैनल पर जब तक रेंज में है तब तक कुछ ट्रेड मत करना। यहाँ पे सेम हमारी एग्रेसिव एंट्री ऑन द बेसिस ऑफ बियरिश इनगल्फिंग और यहाँ पे अगर आप डे एंड तक छोड़ते तो ये ट्रेड चलता, बट ठीक है अगर आप इसको डे एंड तक नहीं छोड़ रहे हो, इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो जो हमारा ये पैटर्न ब्रेकआउट में जो सेफ एंट्री थी उसमें बैंक निफ्टी में एसएल आया, क्योंकि अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी कंप्लीट घूम के हमारी मदर कैंडल को इसने हिट कर दिया था, तो बैंक निफ्टी में यहां पे एसएल था। अब उसके बाद बैंक निफ्टी में ट्रैप कहां पर हुआ है, ट्रैप ट्रेडिंग कहां पे हुई है, ठीक है। अब आप यहां पर जाके इस चीज को नोटिस करोगे ट्रैप ट्रेडिंग के लिए, सबसे पहले तो एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट था, यहाँ पे हमें ये मिल गई पिन बार, ठीक है। पिन बार से डायरेक्ट डाउन साइड का ट्रेड आया, अब यहाँ तक ये 1:2, 1:3 का ट्रेड था। मार्केट क्या करता है, दोबारा ऊपर घूमता है, यहाँ पे पैटर्न बनाता है, पैटर्न का ब्रेकडाउन देता है, मदर कैंडल देता है, इन साइड कैंडल देता है, यहाँ पे दोबारा से ये वाला जो हमारा एसएल है ये हिट नहीं हुआ है, यहाँ पे प्राइस आके दोबारा से घूमता है। अब ये सेकेंड देता है जिसका एसएल हमारा हिट नहीं हुआ, अगर आपने ये ट्रेड छोड़ दिया लीव इट, अगेन मार्केट ने आपको यहां पे जाके दोबारा अपॉर्चुनिटी दी, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, इनसाइड कैंडल दी, उसका दोबारा से एक डाउन साइड में ब्रेकआउट आया और दोबारा से डाउन साइड में हमें एक इस तरीके से गिरता हुआ मार्केट यहां पर दिखा, इसका कंटिन्यूएशन मिला नहीं मिला, ये हमारा ट्रैप ट्रेडिंग था। अब दोबारा से मैं इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ, अगर मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पे गिर रहा है तो आप एम ट्रेड करो विद इनसाइड कैंडल ऑपोजिट कलर कैंडल और डब्लू पैटर्न की ट्रैपिंग ट्रेड करो, ठीक है। डब्लू पैटर्न पे आपको वन साइडेड रन भी मिलेगा, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा, हर बार ट्रैपिंग होगी, लेकिन वो रन 10 में से 2 या 3 बार मिलेगा और ट्रैपिंग आपको 7 to 8 टाइम्स मिलेगी, क्योंकि मार्केट ही उस तरीके का चल रहा है। तो फर्स्टली आपको सेटअप से पहले प्राइस का स्ट्रक्चर समझना पड़ता है, अंडरस्टैंड मार्केट स्ट्रक्चर कि मार्केट में चल क्या रहा है। जब आप मार्केट स्ट्रक्चर समझ जाओ तब उसके बाद अपने सेटअप्स लगाओ। अब जब आपने अपने सेटअप्स लगा लिए तो उन सेटअप में आप अपना रिस्क दिखाओ कि एक दिन का इतना रिस्क लेना है और उसके बेसिस पे आप एंट्री लो। सिंपल इस तरीके से आपको ट्रेड करना है। तो आज के दिन से हमारे पास प्राइस एक्शन में बहुत सारी चीज़ें थी सीखने की। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट्स। नाउ हमारा देगा आवली टाइम फ्रेम पर जाते हैं तो बहुत ब्यूटीफुल, इट्स अ ग्रेट पैटर्न जो हमें यहाँ पर हेड एंड शोल्डर दिखाई दे रहा है। तो पोजीशन बनाने का मेनली टाइम हमें मिलेगा इसके नीचे एंड आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज गिरते हुए मार्केट में ट्रेड करने के अलग मज़े होते हैं, ठीक है। तो हम पोजीशन इसकी बनाएंगे। सो दिस इज हेड एंड शोल्डर पैटर्न, बहुत ब्यूटीफुल बना है, बिल्कुल बुकिश पैटर्न है। ये सारे हमारे सपोर्ट्स हैं, ठीक है। तो इन सपोर्ट पर जाते हुए मार्केट को देखेंगे, जिस तरीके से हमने प्लानिंग की है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ से जाएंगे, ठीक है। इसके नीचे का ब्रेकआउट आता है पहले, तो अब हम एक बार डिसाइड करते हैं कि किस किस तरीके से पोजीशन ओपन हो सकती है। सी प्राइस में अगर
बिल्कुल, जो जहां पे क्लोजिंग हुई है वहीं पे ओपनिंग होती है, फिर प्राइस गिरना शुरू करता है तो हम पुल बैक्स पर एंट्री करेंगे। सिंपल, थोड़ा गैप अप होता है तो जहां पर हमारा इंपॉर्टेंट ऊपर के साइड पर रेसिस्टेंस आ रहा है वहां पर उसको हिट करेगा, हम एंट्री करेंगे। गैप डाउन हो जाता है अच्छा खासा तो मार्केट थोड़ा चोपी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट है, लेकिन चोपी होके उसको जाना नीचे ही है, तो जो ट्रैप्स होंगे हम उनको ट्रेड करेंगे। सेम आप अगर बैंक निफ्टी में जाके देखते हो तो हम बैंक निफ्टी में भी ये सेम ही चीज़ यहाँ पे नोटिस करते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी में अब जैसे यहाँ पे जाके अगर आप ये चीज़ मार्क कर रहे हो, दिस इज द इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। अगर आप पीछे के लेवल तक डेली टाइम फ्रेम पर सपोर्ट देखोगे तो प्राइस दोबारा से अपने इसी लेवल पर आ गया जो हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट थे यहाँ पे, और प्राइस ने एक अच्छा खासा पैटर्न भी बनाया है, एम पैटर्न करके इसका ब्रेकआउट आया है। ठीक है, अब ना वट इज इम्पॉर्टेंट हेयर, दोबारा से वही हमारी तीन ओपनिंग। ठीक है, सबसे पहले फ्लैट ओपनिंग, फ्लैट ओपनिंग में अगर वहीं पे प्राइस खुलता है और उसके बाद नीचे कॉन्टिन्यूएशन देता है, इसको इस तरीके से बना के कॉन्टिन्यूएशन देता है, तो हम ऑपोजिट कलर कैंडल के साथ नीचे का ट्रेड ले सकते हैं। प्लस में अगर कहीं पे गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो यहाँ पे जहाँ पे भी हमारा रेसिस्टेंस लेवल है, ऊपर जाएगी तो थोड़ा डब्लू पैटर्न की ट्रैपिंग होगी, पिन बार बनेगा, बियरिश इनगल्फिंग बनेगी, हम डायरेक्ट डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। गैप डाउन हो जाता है तो हमें वी हैव टू वेट कि प्राइस क्या कर रहा है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है या डायरेक्ट गिर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड लेंगे। जैसा भी होगा ऑब्जर्वेशन आपको पब्लिक चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है, लाइव मार्केट के टाइम पे। अब आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, आई थिंक कि सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। लाइव मार्केट में अगर आपको अपडेट चाहिए और सेटअप ट्रेडिंग चाहिए तो उसके बेसिस पर भी आपको जो है यहाँ पे मिल जाया करेगा इस तरीके से अपडेट। आप पब्लिक जो हमारा ईओडी चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हो, कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हो, उसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। एंड कोर्स में ये मैंने नई चीज़ ऐड करी है कि जो लाइव ट्रेडिंग, लाइव ट्रेड्स मैं एग्जीक्यूट करूँगी उनकी वीडियोज़ उसमें दी जाए ताकि लोग सीखे कि किस तरीके से एंट्री, किस तरीके से एग्जिट होता है। दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव जो टीम ने डिसाइड किया है, तो हम ये वाली चीज़ करने वाले हैं। डू सब्सक्राइब द चैनल, डू शेयर द वीडियो विद योर लव्ड वंस। विद दिस थैंक यू सो मच, बी प्रोफेशनल ट्रेडर एंड हैप्पी फाइनेंशियल लिटरेसी।